हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं भटनी ओढ़िया रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल रूट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो जर्नी है, ये जो वीडियो मैं कवर कर रहा हूं, ये 04005 सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस का वीडियो है, जो कि ओढ़िया रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और ये जो सामने जो रूट है वो बलिया रूट आकर ओढ़िया में मिल रहा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ से जो बैक की तरफ यानी कि मऊ की तरफ और ओढ़िया से जो बलिया के रूट की तरफ है, ये दोनों रूट इलेक्ट्रिफिकेशन है और अभी भी सिंगल लाइन ही चल रहा है दोनों रूट पर। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो कि पूरी तरह से भटनी से बनारस तक और छपरा से बनारस तक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन है। बस डबल लाइन का वर्क जो है अंडर प्रोसेस पे है। कई कई जगह पर मिट्टी डाल करके उसको लेवलिंग किया जा रहा है। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और एज सुन एज होपफुली नेक्स्ट जर्नी मुझे करनी है, लिच्छवी एक्सप्रेस ही करनी है। और मैं कोशिश करूंगा भटनी से ओढ़िया तक का पूरा वीडियो कवर करूं और आपको उसकी करंट स्टेटस और अपडेट्स दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। वैसे अभी हम लोग ओढ़िया जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है लिच्छवी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का स्टॉपेज ओढ़िया जंक्शन पर नहीं है। प्रीवियस डेज में जो लॉकडाउन की हालात रही है, उस बीच भारतीय रेलवे ने नया अचीवमेंट को प्राप्त करते हुए इस रूट को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है। और इस रूट पे चलने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिफाइड इंजन लेकर ही चल रही हैं। यूजुअली जो भी ट्रेन्स गोरखपुर से आ रही हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिफाइड इंजन ही लेकर चली है। और स्पेशली लिच्छवी एक्सप्रेस की बात की जाए तो किसी ज़माने WDM 4D 4B लेकर चला करती थी, लेकिन नाउ अडेज वेब 7 इंजन लेके चल रही है। एनी हाउ, ये था इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट का, जो कि एक बार फिर से बताता चलूं कि दोनों रूट छपरा से बनारस और भटनी से बनारस वाया ओढ़िया रूट दोनों के दोनों इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीटली रूप से चालू है, लेकिन डबल रूट जो है वो अंडर प्रोसेस पे है। लेट सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीट। वैसे आप इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि एवरेज परसेंटेज की बात की जाए तो जो छपरा और ओढ़िया रेल रूट है वो डबल होने का काम वो ज़्यादा प्रोसेस पे है। कोशिश करूँगा कि अपकमिंग डेज़ में अगर उस रूट पे मैं जर्नी कर सका तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे अपडेट यही है। और इस रूट का जो है अपडेट वर्क यानी कि जो डबल लाइन बनाने का है, तो एक लाइन तो ऑलरेडी रेडी जिस पर ट्रेन चल रही है और दूसरा जो है उसके लिए सब वर्क प्रोसेस पे ही है। यानी आप वीडियो को देखें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। मैं रेलवे की ऐसी वीडियोस बहुत सारी बनाता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं और बहुत सारे न्यूज़ क्रिएट करता रहता हूं, बनाता रहता हूं आप सभी के लिए, ताकि आपको प्रेजेंट कर सकूँ न्यूज़। एनी हाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वॉज द अपडेट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन डबल रूट ऑफ दिस रूट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड।